नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयशी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष और गुफा मंदिर के पूर्व छात्र चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि आज प्रातः मुहूर्त के अनुसार 10 बजे बारा घाट के श्रीमंत राम प्रवेश जी महाराज को गुफा मंदिर की महंताई चादर ओढ़ाकर प्रदान की गई एवं अधिकारी के रूप में विजय दास त्यागी शिष्य महंत चंद्रमा दास त्यागी को गुफा मंदिर का अधिकारी चादर ओढ़ाकर नियुक्त किया गया। मुहूर्त के अनुसार ठीक 9:30 बजे विधि विधान से वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ महंताई की प्रक्रिया पूरी की गई है। हनुमान जी महाराज को समक्ष यह कार्य पंडित भवरलाल शर्मा व लेखराज शर्मा के आचार्यत्व में संपन्न हुआ। इस अवसर पर डाकोर पीठाधीश्वर माधवाचार्य जी महाराज मुंबई, मलका पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज वृंदावन, पूज्य साध्वी प्रज्ञा ठाकुर संत समुदाय विशिष्ट भक्त रामाचारी मुंबई, टिलद्वार गदचार्य श्री महंत रामकृष्ण दास जी महाराज पुरी, श्री महंत ब्रजमोहन दास जी महाराज अयोध्या, सीताराम दास जी महाराज अयोध्या, भक्तिचरण दास जी दिगंबरा अखाड़ा नासिक, हरिओम दास जी महाराज वंसावाड़ा, रामदास जी महाराज गुजरात, गरीब दास जी महाराज भावनगर, काशीदास जी महाराज जगदीश जी महाराज दाहोद, महावीर दास जी महाराज नाडियाल, गंगा दास जी महाराज ललितपुर, रामदास जी महाराज टीकमगढ़, राजा राम जी महाराज नासिक, महंत लोकनाथ जी महाराज एवं भोपाल विस्तृत मंडल पूर्व महापौर श्री आलोक शर्मा के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, संस्कृति बचाओ मंच के चंद्रशेखर तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री भगवान दास सवनानी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निमेश जी सेठ आदि भक्त और गुफा मंदिर के छात्र उपस्थित थे। कोरोना काल को ठाकुर जी की इच्छा से वैश्विक महामारी भगवान कृपा करें, देश को राष्ट्र को विश्व को इससे शांति मिले और सब सुखी हों। महामारी समय समय पर पहले से ही आती रही है। महामारी एक प्रलय का रूप होती है और ये भी प्रलय का ही रूप है, ये कोई नया काम नहीं है। 100 वर्ष पहले भी ऐसी महामारी आई थी प्लेग के नाम पर, उसने भी देश को चौपट किया था, विश्व में तो नहीं फैली थी वो, तो इसका भी मुकाबला किया जाएगा भगवान की इच्छा से, तो समाधान होगा। भोपाल शहर है, नया शहर है, मध्य प्रदेश की आस्था का केंद्र है, यहाँ की जनता को आप सबका आशीर्वाद। लाल घाटी गुम्फा मंदिर आज हमारा भारतवर्ष के एक विशेष गादी बन चुका है। ये भोपाल शहर का नहीं अपितु भारतवर्ष के एक धर्म का केंद्र बन गया है और हमारे साधु समाज भी इसको विशेष रूप से ये गादी को आगे लाने का कोशिश करता और करते रहेगा और किया भी है। इसके लिए गुरु महंत चंद्राम दास जी महाराज जी का देवस्थान के उपरांत यहाँ पर हमारे भारतवर्ष के सभी प्रांत के सभी ये यहाँ जितना भी मंडलेश्वर महामंडलेश्वर श्री महंत आचार्य सभी यहाँ पर पहुँचे थे। वाद विवाद के उपरांत ट्रस्टी हैं यहाँ पर, विद्वान विद्यार्थी नेतावर सभीों का विवाद के उपरांत ये निर्णय लिया गया कि क्यों यहाँ पर ट्रस्टी के मुताबिक यहाँ पर बस परंपरा का व्यक्ति ही बैठ सकता है। साधु हो विरक्त साधु हो वही गादी पर बैठ सकता है। इसीलिए डाकोर गादीपति मैं होने के नाते इस परंपरा के गादीपति वृंदावन बारागत श्री महंत राम प्रवेश जी महाराज जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारे समाज और मैं मिलकर ही इनको नियुक्त किए, इन्हीं का सर्वसम्मति से कल चुनाव भी हुआ और उसी समय इनको नियुक्त कर दिया गया, पदाधिकृत हो गया इनके। इसीलिए हमारे भोपाल सभी लोग, सभी वर्ग के लोग और सभी भक्तगण भी इसमें बहुत खुश हैं, हमारा समाज भी बहुत खुश है कि उनके विद्वान हैं,
भागवत के कथाकार भी हैं और हमारे भोपाल के लालगढ़ गुफा मंदिर को इन्होंने उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते रहेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं। समय समय पर आप लोगों का आशीर्वाद भोपाल की प्रतिष्ठित जनता को मिलता रहेगा, ऐसी यहाँ की जनता आपसे आशा उम्मीद कर रही। हम संग्राम गांधी महाविद्यालय भी महंत मैंने ही बनाया था और वो समय समय पर यहाँ पर आ भी रहा हूँ और हमारे सिंह महंत बड़े ऐसे भी विद्वान हैं, लेकिन ये हमारी गादी होने के नाते हम यहाँ पर आते रहूँगा और सभी को आशीर्वाद देते रहेंगे और हमारा महंत गांधी जो भी सहयोग हो सब प्रकार से सहयोग करते रहेंगे। नई चुनौतियाँ हैं उसके लिए नई चुनौतियों के लिए युवा लोग जो भी यहाँ पर व्यवस्था नई चलता रहेगा बाकी भी है, ये सभी प्रकार का यहाँ विद्यार्थी गौ तो जो गौशाला है बल्कि हम लोग इस हिसाब से छोटा है, हम इसको और बड़ा करेंगे, विद्यार्थियों को भी और बढ़ाने का कोशिश करेंगे और यहाँ का संस्कृत को आगे बढ़ा जो विद्यालय है उसको भी खूब आगे लाने का कोशिश करेंगे। हमारा महन जी का स्वयं प्रयत्न रहेगा और हम सभी संग्रहित करते हैं। भोपाल के प्राचीन गुफा मंदिर के आज नवनियुक्त श्री महंत श्री राम प्रभुदास जी महाराज की गादी पर स्थापना के साथ ही आज महाराज जी के आग्रह पर मैंने ये घोषणा की है कि जो लाल घाटी जिसका विभत्स इतिहास है, रानी कमलापति जी का पुत्र 14 वर्षीय पुत्र सेना ले अपनी मां की रक्षा के लिए सेना लेकर के गया और जो दोस्त मोहम्मद खान था उसने वहां पर जिसे लाल घाटी आज भोपाल की कहते हैं वहां पर उस 14 वर्षीय बालक और उसकी सेना की हत्या की, सबको सभी सैनिकों को काट दिया और वो पूरी घाटी लाल हो गई, इसलिए उसका विभत्स इतिहास और आज भी लोग उसको लाल घाटी के नाम से जानते हैं। आज उस घाटी को जहां प्राचीन गुफा मंदिर के प्रथम श्री महंत जी हैं श्री नारायण दास जी महाराज उनके नाम पर श्री महंत श्री नारायण दास चौराहा रखा है और उसके पास ही हलालपुर बस स्टैंड है, हलालपुरा बस स्टैंड उस में भी सभी हिंदुओं को हलाल किया गया था दोस्त मोहम्मद खान की सेना ने, वहाँ हमारे सभी हिंदुओं को हलाल किया था इसलिए उसका हलालपुरा बस स्टैंड नाम रखा गया। उसको भी परिवर्तित करके आज मैं पत्र लिख रही हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और नगर निगम के कमिश्नर को कि उस हलालपुरा बस स्टैंड का नाम पास में ही ठीक बस स्टैंड के पास हनुमान गढ़ी है तो टेकरी है, हनुमान टेकरी है, उस टेकरी के पास ही जो बस स्टैंड है जिसे हलालपुरा बस स्टैंड कहते हैं उसका नाम बदल करके श्री हनुमानपुर बस स्टैंड नाम दिया जाए, ऐसा हमारा आग्रह है और ये मैं घोषणा करती हूँ और ऐसा मुख्यमंत्री जी और नगर निगम कमिश्नर को मैं आज पत्र लिखूंगी।